हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं साबुदाना अप्पे उपवास या व्रत के लिए, जो बनाना बहुत ही आसान है। और उसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी साबुदाना, दो बुलावा आलू, 1/4 कप दही, 2-3 स्पून फल्ली हरी मिर्च, धनिया पत्ती, उसके अलावा कूटी काली मिर्च 1/2 स्पून, 1 स्पून जीरा, सेंधा नमक और ये है तेल। सबसे पहले मैं साबुदाना को अच्छे से धो के इसे वॉश करूँगी। मैंने साबुदाना को लिया एक बाउल में और उसको 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी डाल के लेवल में डाला है मैंने पानी, 2 घंटे भीगने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं मूँगफली को भून ले रही हूँ। ये अराउंड 3 स्पून मूँगफली है, इनको भून के मैं इसका पाउडर बना लूँगी। अब 2 घंटे हो गया, साबुदाना भी भीग चुका है। अब मैं साबुदाना को ग्राइंड कर रही हूँ। साबुदाना को आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, बट डायरेक्ट बनाने से उतना अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए ग्राइंड कर लो। ग्राइंड मैंने एक बार कर लिया, अब बाकी बचा हुआ भी मैं सेम उसी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करके अब मैं इसको भी निकाल रही हूँ बाउल में। ये भी ग्राइंड हो चुका है, इसको भी मैंने निकाल लिया बाउल में। अब मैं हमारे उबले हुए आलू, उनको मैं खीस लूँगी। आलू को मैश करके भी डाल सकते हो, बट यहाँ पे मैं खीस रही हूँ। मैंने एक ग्रेटर लिया है, उसमें आलू को बारीक बारीक खीस के डाल रही हूँ। खीस के डालने से बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगा। आलू खीस चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ मूँगफली का पाउडर। डाल के अब बारीक कटा धनिया पत्ती, बारीक कटी हरी मिर्च, उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ कूटी काली मिर्च 1/2 स्पून, उसके बाद 1 स्पून जीरा और सेंधा नमक। व्रत का है इसलिए मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ 1/2 स्पून। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। दही डालने से इसका जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छे से होगा। आप चाहो तो दही स्किप भी कर सकते हो, बट दही डालने से इसका जो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से होगा। अभी दही डाल के मैं हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आटा हमारा इस तरीके से होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड ना ही बहुत ज़्यादा गीला। आटा हमारा अप्पे बनाने के लिए रेडी है। अब मैं इनके बना रही हूँ गोले। गोले बना के मैं इनको निकाल रही हूँ एक प्लेट में। ये उपवास के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो हम लोग व्रत में खाते हैं। अब मैंने रखा अप्पे का पैन। अप्पे का पैन जैसे ही गर्म हो गया, इसमें मैंने ब्रश से थोड़ा सा ऑयल लगाया। उसके बाद साबुदाने के गोले मैं इसमें रख रही हूँ। ये साबुदाने अप्पे बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। जनरली हम लोग व्रत में साबुदाना खिचड़ी या साबुदाना वड़े या खीर बना के खाते हैं। कभी अप्पे बना के देखिए, कम ऑयल में बहुत ही टेस्टी है। जिसको ऑयली फूड खाना पसंद नहीं है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। साबुदाने के अप्पे सेक चुके हैं, मैं इनको पलट रही हूँ। पलट के दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से मैं सेक लूँगी। ये सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। अब मैंने पलट लिया है, पलट के 2-3 मिनट तक और यह क्रिस्पी होते तक सेक लूँगी। अब ये सिक चुके हैं, मैं इनको निकाल रही हूँ प्लेट में। आप देख सकते हैं ये काफ़ी फुले फुले और क्रिस्पी बने हैं। मैं इनको निकाल रही हूँ, निकाल के अब मैं एक बार और बनाऊँगी। अभी मैंने पैन में डाला है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा तिल्ली। ऐसा करने से हमारे साबुदाने क्रिस्पी, टेस्टी और लुक वाइज भी बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आपके व्रत में ये सारी चीज़ें चलती हैं तो आप ऐड करना, अदरवाइज़ आप इसे स्किप करना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ साबुदाने के गोले। डाल के इसके ऊपर मैं फिर से थोड़ा सा तिल्ली और थोड़ा सा जीरा डालूँगी। डाल के फिर मैं इसको गार्निश करूँगी धनिया पत्ती के साथ। धनिया पत्ती से गार्निश करके फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी हल्का सा ऑयल। ऑयल डाल के फिर मैं इसे सेकने के लिए रख दूँगी। इस तरीके से बनाने से साबुदाने लुक वाइज तो बहुत अच्छे दिखते ही हैं, बहुत टेस्टी भी रहते हैं और बच्चे तो बहुत ज़्यादा इसे खाना पसंद करेंगे। अब मैंने इसे ढक दिया, ढक के मैं इन्हें पलट रही हूँ। पलट के फिर इसे भी दूसरी तरफ से मैं 2-3 मिनट तक या क्रिस्पी होते तक सेक लूँगी। पूरे अप्पे हमारे बनके रेडी है। मैं इसे सर्व कर रही हूँ मूँगफली और हरी मिर्च की चटनी के साथ, क्योंकि ये उपवास वाले। अगर आप इसे ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स के लिए बना रहे हो तो आप इसे किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। हमारे बहुत ही टेस्टी यम्मी साबुदाना अप्पे बनके रेडी है। आप भी इसे बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।